ऑफिस के सामने पहुंच चुके हैं और अब प्रबंध निदेशक यानी एमडी को साथियों, मेरी बात सुनो,
शांति रखो एक मिनट, शांति रखो भाई साहब बोलेंगे। सुनो आवाज दो, एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट सुनना। ऐसे अपने 10 जिलों से 10 प्रतिनिधि, प्रदेश से अपने भाई अनिल जी चिल्का जाए हुए, ठीक है, ये लोग अंदर जाएंगे और करीब 10-15 लोग, देखो ज्यादा अंदर जगह भी नहीं है और ऐसा भी नहीं। सारी चीजें जीत से नहीं होती, बाहर कोई बात नहीं हो सकती। एक एक तो इतना आपका विश्वास, इतने प्रतिनिधि साइन दौड़े करके दे रहे हैं, नहीं अपने प्रतिनिधियों का इतना विश्वास नहीं है क्या आपको? कर सकते हैं वो यहाँ पे हो जाएगी क्या? बात करते हो यहाँ हो जाएगी क्या? बात हो जाएगी यहाँ, बात हो जाएगी। अरे ज्ञापन देना है तो फिर आप बैठो यहाँ पर, बैठो बैठो पहले। नीचे बैठ दो, एक बात मेरी बात सुनो, आपकी बात मुझे माननी है, ठीक है, एक बात मेरी आपको माननी है। एमडी साहब बाहर आते हैं, पूरी व्यवस्था से उनकी बात सुनोगे, परिवार के मुखिया हैं और आपको भी पता है ये यहाँ से जो अपन लेटर दे रहे हैं आगे भेजेंगे, उनके हाथ में नहीं है कि ये कर दे, वो तो अभी करा ले। अपने परिवार के मुखिया है, अपने को ठीक से पेश आना, नहीं कि अपन हाँ उल्ला करे उनकी बात को सुने नहीं, उनकी बात उनसे सुननी है, ठीक है। थोड़ा प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप हाँ तो बैठ जाओ, एक बार बैठ जाओ, सारे लोग बैठ जाओ। नहीं साफ खड़े, अरे बैठ जाओ भाई, भैया नीचे बैठो। शांति शांति दोस्तों, जब यदि अपन 800 किलोमीटर दूर जोधपुर आ सकते हैं तो एमडी साहब भी अभी नए बने, हमको एमडी साहब की शक्ल मालूम नहीं है। एमडी साहब मुख्य 3 मांगे हैं, उसमें सबसे पहली है इंट्रोड्यूस को स्थानांतरण नीति लागू कराने के लिए। आपसे भी विशेष आगे है, जब भी कमेटी की मीटिंग होती है आप ये प्लीज हमारा मुद्दा सबसे ऊपर रखें ताकि ये जल्दी से जल्दी हमारा मुद्दा क्लियर हो। दूसरा हमारा है, सन 2015 में जो हड़ताल हुई थी उसके दौरान हमारे 2-3 साथी अभी भी प्रभावित हैं, तो उनको भी राहत मिले, जैसे तैसे उनका जितना नुकसान हुआ उसकी सारी भरपाई हो। और तीसरा हमारा है पदनाम को लेकर के, कि हमारा पदनाम ये एयरपोर्ट शब्द हमारे आगे से हटाया जाए और टेक्नीशियन किया जाए। तो सर ये तो चेयरमैन साहब के नाम है, आपके माध्यम से भेजनी है। और ये हमारे श्रीमान प्रसारण वाले बात की, ये दोनों आपके माध्यम से भेजनी है। हमारे इन भाइयों की इच्छा थी कि हमारे साहब बाहर आए और हमें इस पर विश्वास दिलाए कि आप बहुत और नीचे आ जाओ। बताना चाहूंगा कि हमारे जोधपुर डिस्कॉम के 10 जिलों के पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं और अपनी मांगों को लेकर आपके पास आए हैं।
हम आपसे आशा करते हैं कि हमारी मांगों का निस्तारण हो। उसको क्योंकि एक तरह से राज्य स्तरीय है, तीनों मांगों को मैं आगे जो है सरकार को भिजवा दूंगा और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी मांगे मानी जाए। सर एक 24 वाला है वो जयपुर स्कूल में लागू कर दिया, उसका एक आदेश है सर इसकी तर्ज पे हमारे भी आजकल में दीपावली से पहले पहले ये आदेश निकल जाए, अजमेर पे भी निकल जाएगा। अपने भी निकलवा दो। एक MD महोदय से मेरा विशेष निवेदन है कि दीपावली आने वाली है, अपन को सुरक्षा उपकरण सर नहीं मिलते हैं, इसलिए विशेषतः आपसे आग्रह है मेरा के सभी जिलों में सुरक्षा के साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराए जाएं ताकि हमारा कोई भी साथी हादसे का शिकार नहीं हो। आप ग्रहण किया, आपको बहुत बहुत बधाई, आप इस पद पे आसीन होने का मौका गौरव प्राप्त हुआ। आप हम आपसे उम्मीद करते हैं आने वाले समय में आप हमारी मांगों का निस्तारण समय समय पर करते रहेंगे। धन्यवाद सर। एक बात मेरी सुन लो भाई, बिल्कुल सर आए हो मौका फायदा लो। एक बात सिर्फ नहीं आ रहा है, दो बात नहीं है, एक ही बात है। मैं मौके का फायदा उठा रहा हूँ, 10 जिले से आप पधारे हो सभी लोग, जैसा इन्होंने बताया सेफ्टी इक्विपमेंट्स बिल्कुल सुनिश्चित करूंगा कि आपको प्रचुर मात्रा में मिल जाए। पर एक बड़े दुख की बात है कि अपने कई यंग कर्मचारी जो है वो दुर्घटना के ग्रस्त हो जाते हैं। ये दोनों चीजें हैं कि कुछ हमारा सिस्टम को ठीक करना, हमारे को सेफ्टी लेना, क्योंकि खुद की सेफ्टी तो मौके पे खुद को ही इंश्योर करनी पड़ती है। बाकी सारी चीजें सेफ्टी इक्विपमेंट्स लेना है, लाइन अच्छी खड़ी करना, वो सब ठीक है, लेकिन मौके पर उस समय कोई होता नहीं है, मौके पे अपन अकेले होते हैं। तो मैं आप सबसे डिस्कॉम से हटके MD से हटके एक बात करना चाह रहा हूँ कि आप अपनी सेफ्टी को बहुत संतोष शांति से काम करें जब लाइनों पे काम करें तो, और जरूर अपनी अर्थिंग चैन वगैरह डाल के अपनी सुनिश्चित करें कि किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं हो, क्योंकि किसी की भी बाइक की हो चाहे मेरे घर में चाहे आपके घर में दुर्घटना होने वाला है, परिवार बहुत ग्रस्त करता है। तो ये अपने को कहीं संकल्प खुद को भी लेना पड़ेगा कि सेफ्टी हम लोग पूरी तरह से इंश्योर स्वयं भी करें, सिस्टम से होनी चाहिए, अपने प्रशासनिक होनी चाहिए, औजारों के थ्रू होनी चाहिए, वो तो अपन सुनिश्चित कर ही लेंगे, लेकिन फिर भी मौके पे सब चीजें अपने को भी आत्मचिंतन करके इस चीज को जीरो पे लाना। अपन सब मिलके करेंगे पूरे प्रयास, मेरा पूरा सहयोग आपको मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है और इसमें कोई दो राय हो भी नहीं सकती। साहब एक छोटी सी बात है, 3-4 सालों से साहब पहले वो तापड़िया की ब्लास्ट आती थी वो एकदम ओरिजिनल और काम करने में 3-4 सालों से फिनिश की आती है वो बिल्कुल बेकार। मेरे पास इतने लोग आप दूर से आए हो खड़े हो, ये मेन तो एक बात ये हुई, अपन सेफ्टी इंश्योर करेंगे उसमें सारी बातें आ गई, कोई आप में से आ जाएंगे, आप आ जाएंगे, आप आ जाएंगे, जो अच्छी चीजें होगी सेफ्टी के लिए हर चीज करेंगे। सेफ्टी से बढ़कर कोई नहीं है, सारी बातें तो ठीक है सर। हम आपको आशा नहीं विश्वास दिलाते आने वाले समय में आपके द्वारा दिए गए उपकरणों का पूर्ण रूप से पालन करते हुए कार्य करेंगे। MD साहब जिंदाबाद।